अभी स्कॉर्पियो वेलेक्स है जी, KUV100 है, जाइलो है, ये एब्सोल्युटली डीजल गाड़ी है। हर चीज ना 8000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी में क्या हो सकता है, कुछ भी हुआ नहीं। ओरिजिनल पेन का गाड़ी है ये, i10 ग्रैंड है, 2017 का गाड़ी है ये गाड़ी, मेरा नाम पर ही है। जैसे गाड़ी खरीदते हैं वो गाड़ी बिल्कुल टेस्टेड होते हैं, ये नहीं है वो गाड़ी में एसी ना काम नहीं कर रहा है, उसका व्हील बैलेंसिंग नहीं हो रहा है उसका गाड़ी का। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप लोगों में से बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था ये कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, KUV चाहिए और हुंडई का ग्रैंड i10 का भी कुछ लोगों ने कहा था, तो मैं वो चीज़ खोज कर लाया हूँ और काफ़ी सेटिस्फाइड कार जो है बैरकपुर ऑटोमोबाइल्स है। तो इनके जो ऑथोराइज सेंटर भी है, हुंडई का ऑथोराइज सर्विस सेंटर, तो मैं मिलवाना चाहता हूँ आपसे, हमारे नमस्कार सर से। तो सर आपके पास कौन कौन से गाड़ी है और क्या 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 चीज़ आपका स्पेशलिस्ट है? ये मेरा सबसे फैसिलिटी है। दूसरा फैसिलिटी ये है कि जो कस्टमर मेरा पास से गाड़ी खरीदते हैं वो गाड़ी बिल्कुल टेस्टेड होते हैं, ये नहीं है वो गाड़ी में एसी ना काम नहीं कर रहा है, उसका व्हील बैलेंसिंग नहीं हो रहा है उसका गाड़ी का, स्टीयरिंग बाबलिंग कर रहा है, कोई भी गाड़ी का पूरा चेक करके उसको कंप्लीट करके तब हम कस्टमर के हाथ में देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फैसिलिटी ये फिनेंस भी सिस्टम है, फिनेंस हमारा साथ फिनेंस का टाई अप है, वो लोग खुद आते हैं कस्टमर से, उन लोगों के साथ डायरेक्ट हम बात करवा देते हैं, ये नहीं है हम डायरेक्ट फाइनेंसर से बात करते, फिनेंसर लोग डायरेक्ट कस्टमर से बात करके तब उनका गाड़ी का फिनांस भी यहाँ से हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सारी फिनांस सिस्टम यहाँ पे भी है। तो सारा चीज़ है यहाँ पे, आपको सिर्फ आना है, गाड़ी को देखना है और लेके जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, लिंक, नंबर, सारा चीज़ मिल जाएगा आप लोग, एक बार चेकआउट करो और हम सर से चलते हैं नीचे में, कार को देखते हैं। तो चलिए सर नीचे देखते हैं। तो हम आ गए हैं अब गाड़ियों के ऊपर से नीचे आए हैं, यानी कि अब पार्क जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहाँ पे आ चुके हैं, और सर हमें बताएंगे कौन कौन सी गाड़ी है अभी आपके पास। मेरा अभी स्कॉर्पियो वेलेक्स है जी, KUV100 है, जाइलो है, i10 ग्रैंड है, मेरे पास बहुत सारी मॉडल का गाड़ी रहते हैं। अच्छा अच्छा, खरीदने के बाद ऑल आर सर्टिफाइड कार, ऑल आर सर्टिफाइड कार। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ये हुंडई का सर्विस सेंटर भी है, हुंडई का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, बैरकपुर ऑटोमोबाइल, बैरकपुर ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे जो है कोई भी कार आती है ना तो सबसे पहले ये जाँच करते देखते तभी ये अपने सर्टिफाइड होने के बाद ही रखते हैं जी, पहले उसका पेपर हम सर्च कर लेते हैं, कोई इसमें डिस्प्यूट है कि नहीं है, ओनर है कि नहीं है, हर चीज़ जांच करने के बाद उसका फिनांस है कि नहीं है, इसका बाद वो गाड़ी हम लेते हैं। बिल्कुल सही। तो पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एक सी यहाँ पे KUV खड़ी है जी, इसी से स्टार्ट करते हैं जी। जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, सर आप कुछ बताइए इस गाड़ी के बारे में। ये KUV100 है, महिंद्रा का, 2017 का फरवरी का गाड़ी है, टैक्स दिया है 22 तक, गाड़ी 8000 किलोमीटर चला हुआ है, गाड़ी में फीचर जो है एसी है, पावर स्टीयरिंग है, सेंट्रल लॉक है, बैक वाइपर है, और इसका सबसे बड़ा एक फीचर है कोई भी कस्टमर चाहते हैं इस गाड़ी में कोई रुपया लेके आ रहा है उसको छुपाने के रखने के लिए, तो इसके अंदर एक स्पेशल फीचर्स है जहाँ पे वो छुपा के रख सकते हैं, कोई भी निकाल नहीं सकते। अरे भाई, तो अच्छा सिस्टम है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, पहले गाड़ी के और भी कुछ देख लेते हैं। और ये गाड़ी ओनली 8000 किलोमीटर चला हुआ है, 8000 ओनली 8000। अरे वाह, क्या बात है, ओनली 8000। तो सर इसका प्राइस क्या? गाइस अब इसके हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सेंट्रल लॉक है, ओके, इधर बोतल, ये पावर विंडो स्विच है, इसको थोड़ा अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे एयर बैग दिख रहा है, एयर बैग है एसी का, ये सबसे अपर वर्जन है, टॉप वर्जन है, KUV100 डीजल। इसका माइलेज मिनिमम 24 किलोमीटर पर लीटर। यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन भी दिख रहा है, हाँ सारा चीज आपके सामने है। ये 8079 करीब 8000 किलोमीटर चला है ये जी जी जी। अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपको दिख रहा है, काफ़ी टॉप मॉडल गाड़ी है, और ऊपर थोड़ी देख लेते हैं इसके बैकग्राउंड को,
पीछे सीट आप देखो पूरी फुल्ली न्यू है, प्लास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है यहाँ पे आप इसका इंजन देख सकते हैं। आप कुछ बता दीजिएगा इंजन के बारे में। ये इंजन जो है इसमें एम फैलकॉन D75 का इंजन, डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है ये, एब्सोल्युटली डीजल गाड़ी है। हर चीज़ नया है, 8000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी में क्या हो सकता है, कुछ भी हुआ नहीं, ओरिजिनल पेंट का। इस गाड़ी में आ जाते हैं सर, ये कौन सा मॉडल का गाड़ी है? ये i10 ग्रैंड है। ये i10 ग्रैंड है ना? ना। कब का मॉडल है ये? ये 2017 का है। 2017 का है। इसका प्राइस क्या रखा आपने? 4,15,000 रुपये। 4,15,000 2017 का। 17 का मॉडल। जी जी। ओके, अब हम पीछे आ जाते हैं। किलोमीटर क्या चला हुआ सर इसका गाड़ी का? ये 30,000 किलोमीटर चला हुआ। 30,000 किलोमीटर। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये भी हुंडई का दिख रहा है मेरे को। जी जी जी। और ये कब का मॉडल है सर? ये है आपका 2018 का। 2018 ईवन गाड़ी है ये वाला। ईवन गाड़ी है। कितना किलोमीटर चला होगा ये? 17,000 किलोमीटर चला हुआ। 17,000 किलोमीटर। जी। ये एक्सेंट है, हुंडई का एक्सेंट। लाइट देख सकते हो, फोग लाइट है यहाँ पे, देख सकते हो। तो i10 ग्रैंड, सॉरी। इसका प्राइस क्या रखा है? इसका 3,40,000 रुपया। 3,40,000। और कब का है मॉडल? ये 2016 का है। 2016 का मॉडल, काफ़ी अच्छा है। अब हम बेहतरीन कार पे जा रहे हैं, जो आप लोग की डिमांड रहती है, उस कार के ऊपर आते हैं। ये स्कॉर्पियो VLX है, 2012 नवंबर का गाड़ी है। इसकी डिमांड आप लोग हरदम करते रहते हैं। जी। आप देख लो, टायर बिल्कुल चारों नया है। टायर देखते हैं। इसके बारे में सब कुछ बता दीजिए आप, ऐसे तो बताने लायक कुछ नहीं है, सब जानते हैं स्कॉर्पियो क्या होता है। स्कॉर्पियो LX है ये, इसका अलॉय व्हील है, एसी है, पावर स्टीयरिंग है, सेंट्रल लॉक है। और कितना किलोमीटर चला होगा ये? 60,000 गाड़ी चला होगा। 60,000। कब का मॉडल है ये? 2012 नवंबर का गाड़ी है। 2012 नवंबर। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी है, टैक्स 22 तक है। प्राइस क्या रखा है इसका? प्राइस है 5,65,000। 5,65,000। 5,65,000। ये आप जो देख रहे हैं ये जाइलो E4 है, 2012 का गाड़ी है। ये टाइप 2 मॉडल का है, पहले वाला जो टाइप 1 था ये टाइप 2 है। टैक्स इसका 2022 तक है, ठीक है ना? कितना चला होगा ये? 56 करी चला हुआ है। प्राइस? इसका प्राइस है 4,55,000। वेल कर, फुल्ली ओरिजिनल पेंट का गाड़ी है, एंड मेंटेन गाड़ी है, घर का गाड़ी है। और दूसरा चीज़ है इसका 22 तक टैक्स है। महिंद्रा का ही है ये भी? महिंद्रा का है। इसमें एसी है, पावर स्टीयरिंग है, सेंट्रल लॉक है, E4 मॉडल है। ये i10 ग्रैंड है, 2017 का गाड़ी है। ये गाड़ी मेरा नाम पर ही है। हाँ, मेरा नाम पे है। 2022 तक टैक्स है, 22,000 चला हुआ है, फुल्ली ओरिजिनल पेंट का गाड़ी है। इसमें एसी है, पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉक। और स्पेशलिस्ट इसका बैक कैमरा भी है, सेंसर लगा हुआ है, पीछे कोई भी चीज़ आने से वो आपको इंस्टेंटली इन्फॉर्म करेगा, उसको दिखा देगा पीछे कौन है नहीं है। इसका प्राइस क्या बोला सर आपने? इसका प्राइस है कितना लिखा है? देखिए एक्चुअली मल्टी कार काम तो होता ही है। हुंडई में ऑथराइज हूँ, मेरा हुंडई से लीगल ऑथराइजेशन है, मैं 20 साल से यूज्ड कार डीलर भी हूँ।
किसी वजह से मेरा गाड़ी तो यहाँ पे ही काम होता है, हर गाड़ी चेक करके उसको पेपर चेक करके इसके बाद हम डायरेक्ट कस्टमर से ही लेते हैं, कोई दलाल थ्रू कोई ब्रोकर थ्रू किसी के थ्रू हम गाड़ी लेते हैं। ये मेरा सबसे आना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लिंक नंबर सारा चीज़ मिल जाएगा, आप लोग एक बार चेकआउट करो।